एक गांव में मनोहर और पराशर नाम के जुड़वा भाई रहते थे। वे दोनों में इतना तुलना रहता था कि उनके माँ पिता को भी कौन सा वाला मनोहर है और कौन सा वाला पराशर है ये पहचानना मुश्किल होता था। बगल वाले घर में एक रिटायर्ड स्कूल टीचर गांव वालों को उनके बारे में कहते हुए, स्कूल में पढ़ाते समय वे एक ही तरह दिखने के वजह से सबके साथ खेलते थे। दोनों अलग अलग सब बेंचेस में बैठते थे। कोई एक ही स्कूल को टाइम पर आकर हम जब अटेंडेंस डालते थे, जब मनोहर पुकारने से प्रेजेंट सर कहकर तुरंत ही बेंच बदल कर जब मैं पराशर पुकारता था, यस सर कहकर मुझे ही धोखा देता था। उनका इस बर्ताव से बहुत तंग आ चुका था। फिर एक बार मनोहर बाहर 10 रुपए लगाकर सड़क पर पत्ते खेलकर पैसे गवाकर और फिर बाकी के खिलाड़ियों से पैसे छीनकर क्लास में घुसे जैसे नाटक करके बाजू से दीवार से कूदकर भाग जाता था। वो पत्ते खेलने वाला निर्वाहक क्लास रूम में आकर, मास्टर जी उस मनोहर ने हमारा सारा पैसे लेकर चला गया जी, कहकर मुझे कंप्लेन करते थे। तो क्लास में बैठा हुआ पराशर, अरे क्या, कौन सा पैसा, कौन लेकर गया, मैं ही मनोहर हूँ, सुबह से क्लास में बैठा हूँ, कहकर झूठ बोलता था। फिर मैं भी, ये आप क्या कह रहे हो, मनोहर तो मेरे आंखों के सामने ही है, जाओ जाओ यहाँ से, कहता था। उसके बाद एक लड़का ने असली बात बताया तो उस पराशर को 4 लगाकर अच्छा सबक सिखाया था मैंने। असल में ये लोग इतना बदमाश है कहकर बेचारे उनका माँ पिता को भी पता नहीं है, बेचारे बहुत बोले थे वे लोग, ऐसा मास्टर जी उनके बारे में कह रहा था। एक दिन कॉलेज जाना छोड़कर मनोहर और पराशर रोड पर जा रहा एक आदमी का पॉकेट में मोटा सा पर्स को देखे। उसके पीछे पीछे जाकर थोड़े दूर जाने के बाद पराशर थोड़ा धीरे होकर 100 फीट की दूरी में चलने लगा। मनोहर उस आदमी का पर्स को खींचकर उसे आगे धकेलकर उधर से भागते हुए चला गया। तब नीचा गिरा हुआ वो आदमी मनोहर को देखकर चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। उसका आवाज को सुनकर वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए और सब मिलकर उसको उठाए। फिर उसने पीछे आ रहा पराशर को दिखाते हुए, वो देखो उसने ही मेरा पर्स चुराया है, कहकर चिल्लाया। तुरंत ही लोगों ने पराशर को पकड़कर पर्स निकालो कहकर मारने वाले ही थे। तब पराशर, क्या 100 फीट की दूरी से मैं उसका पर्स कैसे चुराऊंगा, चाहिए तो मुझे चेक कीजिए, कहकर अपना हाथ उठाकर खड़ा हो गया। तब लोग पराशर का जेब में ढूंढकर जिसका पर्स चोरी हुआ उनसे, तो जी इतना दूर रहने वाला इंसान उड़ते हुए आकर तुम्हारा पर्स को चुरा लिया है, क्या दिमाग नहीं है इस लड़के के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए, कहकर गुस्सा किया। एक दिन मनोहर और पराशर बार में बैठकर मुसीबत और सुख के बारे में बात कर रहे थे। तब मनोहर, अरे कहने से तो शर्म आ रहा है, स्कूल के दिनों में ही कितना कमाते थे हम, अभी अभी उतना ही कमा रहे हैं, ऐसे कितने दिन चिल्लर चोरियां करते रहेंगे बताओ, बाहर चीजों का दाम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, हमारा कर्जे भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उतना तक क्यों, हमारे स्कूल के दिनों में एक बीर 60 रुपए रहता था, अभी वही कंपनी का बीर 150 हो गया है, कहा। तब पराशर, हाँ भाई मैं भी वही सोच रहा हूँ, कोई एक बड़ा सा कुछ तो पकड़ना होगा और एक साल तक कुछ भी नहीं करने की जरूरत हो, ऐसा एक बड़ा चोरी कुछ तो करना पड़ेगा, कहा। इतने में, सही दिमाग से सोचना है बस, 10 साल तक कुछ भी नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, एक रात मेहनत किया तो बस है, बहुत कमा सकते हैं, कहकर सुनाई दिया। तब उधर देखे तो उनके टेबल के पास एक आदमी खड़ा था। तब वो आदमी, इफ यू डोंट माइंड कैन आई जॉइन यू, कहकर उनके टेबल के पास बैठ गया। तब मनोहर, वो कैसे जी, आप कौन हो, पूछा। तब वो आदमी, मेरा नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जो कहता हूँ वो सुनकर मेरे बात मानोगे तो बाकी का बात बताता हूँ। आप दोनों जिराक्स के जैसे ही दिखने के वजह से मैंने आपके बारे में इंक्वायरी किया था। भाग्य अच्छा है कि आप दोनों जुड़वा है और बहुत साल से इजी मनी के लिए छोटे